सब्सक्राइब करें और देखें एक हिलाव देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। राजस्थान का कुलधरा गांव इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। यहां कई लोगों के साथ ऐसे अजीब हादसे हुए हैं जिन्हें आसानी से बयां नहीं किया जा सकता। कुलधरा गांव 170 साल पहले अचानक एक दिन बंजर हो गया। जितने भी लोग यहां रहा करते थे वो सब ये जगह छोड़ के चले गए। कहते हैं इस गांव के ऊपर एक श्राप है और भटकती आत्माएं किसी भी इंसान को यहाँ टिकने नहीं देती। जब कुलधरा में भूत प्रेत के होने की बातें बहुत बढ़ने लगी तब दिल्ली की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस गांव में जाके इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाने का सोचा। तो 2011 में चार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम दोपहर के समय कुलधरा पहुंची और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। शुरू शुरू में उन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या एनर्जी का कोई साइन नहीं मिला। उनका स्पेशल मीटर जो आसपास की शक्तियों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेता है उसने भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ा। पर जैसे जैसे शाम होने लगी उन्हें कुलधरा के माहौल में भारीपन महसूस होने लगा। जब उनमें से एक टीम मेंबर अंशुमन गाड़ी में रखी पानी की बोतल लेने बाहर गया तब उसने देखा कि उनकी गाड़ी पर किसी बच्चे के हाथ के निशान। उसको ये बेहद अजीब लगा क्योंकि दूर दूर तक वहाँ कोई भी बच्चा नहीं। इतने में टीम के बाकी मेंबर्स जो कुलधरा के खंडरों के अंदर थे उन्हें अचानक महसूस हुआ कि औरतों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने जैसे ही अपना पैरानॉर्मल मीटर ऑन किया वैसे ही उस मीटर ने एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी पकड़ना शुरू कर दिया जो उन औरतों के भटके कदमों की आवाज के साथ और तेज हो गई। बाहर गाड़ी से पानी की बोतल निकाल रहा अंशुमन गाड़ी के शीशे को देखकर एकदम डर गया। शीशे से उसे दिखा कि एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी वहाँ खड़ा उसे घूर रहा है और जब उसने गाड़ी के बाहर देखा तो बूढ़ा आदमी गायब। और तभी उसे कुलधरा के खंडरों से अपने दोस्तों के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागा भागा अंदर गया तो उसने देखा कि उसके दोस्त सही सलामत एक कुएं के पास खड़े हुए हैं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनका मीटर ये संकेत दे रहा था कि कुएं के अंदर किसी आत्मा का आवाज है। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर टॉर्च मारी वहां से चमगादड़ों का एक झुंड निकला जिससे वो सब बहुत डर गए। अंशुमन ने हिम्मत करके उस कुएं में वापस झांका तो उसको वहां से अजीब सी आवाजें आई। और फिर एक बार पीछे से औरतों के उनकी तरफ भरने की आवाजें वापस आने लगी। इतने में अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ अंशुमन की तरफ बढ़ा जो उसको कुएं के अंदर खींचने लगा। अंशुमन ने जैसे ही नीचे देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसको वही डरावना बुरा आदमी दिखा और अंशुमन बेहोश हो गया। उसके बाकी दोस्तों ने उसे वहां से निकाला और कुलधरा से वापस जाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी वो उस रात वहां से निकल तो जरूर गए लेकिन कुलधरा में जो भी उन्होंने महसूस किया उससे उन्हें यकीन हो गया कि कुलधरा हॉन्टेड और वहां आत्माएं भटकती हैं। अंशुमन की तबीयत उस हादसे के बाद काफी महीनों तक खराब रही और कई सालों तक वो बुरा आदमी उसके सपनों में आता रहा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि अगली कहानी हम किस हॉरर लेजेंड को देंगे।